आज के लेक्चर का टॉपिक है मोहम्मद गजनवी, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण व लक्ष्य, महमूद के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्यों कारणों के विषय में इतिहासकारों में भारी मतभेद है, खासकर उसके धार्मिक उद्देश्यों को लेकर। वस्तुतः उसने अनेक उद्देश्यों से भारत पर आक्रमण किया था। वे कुछ इस प्रकार है। प्रथम, धन संपदा की प्राप्ति। प्रोफेसर हबीब का मत है कि महमूद धन का लालची पहले था और धार्मिक व्यक्ति बाद में। इसी का प्रकार हेवेल का कहना है कि महमूद बगदाद के खलीफा के विरुद्ध भी युद्ध करने की तैयारी करने को तैयार हो जाता यदि उसे वहां अपार धन प्राप्त होने की आशा होती। वस्तुतः महमूद का गजनी राज्य एक पर्वतीय क्षेत्र तथा जहाँ के निवासी काफ़ी निर्धन थे। महमूद अपने राज्य को समृद्धशाली बनाना चाहता था, शासन को सुसंगठित करना चाहता था, राज्य का विस्तार और पड़ोसी राज्यों के आक्रमणों से सुरक्षित बनाना चाहता था। इन सब के लिए अपार धन की आवश्यकता थी और यह धन भारत से मिल सकता था। बचपन से ही महमूद व्यापारियों तथा यात्रियों से भारत की अतुल संपदा के बारे में सुनता आया था और जब उसे तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति की सही जानकारी मिली तो उसने भारतीय धन संपदा को हथियाने का निश्चय कर लिया। महमूद में अदम्य साहस शक्ति और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता थी। वह एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा करता था। इसके लिए विशाल सेना की आवश्यकता थी। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। तुर्क और अन्य लड़ाकू जातियों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए उन्हें लूट में प्राप्त धन का प्रलोभन देकर आकर्षित करना भी जरूरी था। यह काम भारत पर आक्रमण करके सरलता से पूरा किया जा सकता था। अतः अधिकांश विद्वानों का मानना है कि धन संपदा प्राप्त करने के लिए महमूद का मुख्य उद्देश्य था। सेकेंड आता है हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। कुछ विद्वानों का मानना है कि सम्मुख युद्ध में हाथियों के उपयोग से महमूद अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने अपने मध्य एशियाई शत्रु राज्यों को परास्त करने की दृष्टि से अपनी सेना में हाथियों की सेना रखने का निश्चय किया और हाथियों को प्राप्त करने के लिए वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने लगा। भारत में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था और शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसकी सेना में हस्ती सेना ना रही हो, परंतु इस मान्यता का ठोस तथ्यों से समर्थन नहीं हो पाया है। थर्ड, साम्राज्य की स्थापना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। उनका तर्क है कि इसी ध्येय से उसे पंजाब को अपने साम्राज्य का अंग बनाया था, परंतु अन्य बहुत सी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महमूद ने न तो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और न ही भारत में अपना सीधा शासन प्रतिष्ठित करना चाहता था। पंजाब को साम्राज्य में मिलाने का एकमात्र कारण उसे अपने आधार स्थल बनाकर बार बार भारत पर आक्रमण करने की सुविधा प्राप्त करना था, अन्यथा महमूद ने कन्नौज, कालिंजर तथा सोमनाथ तक विजय प्राप्त की थी। परंतु उसने न तो इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाया और न ही इन क्षेत्रों में अपने अधिकारी नियुक्त किए। इसका मुख्य कारण यह था कि यदि वह भारत में साम्राज्य स्थापित करने की सोचता तो उसे मध्य एशिया के अपने पैतृक राज्य को खो देने का भय था। इसके अलावा भारत की गर्म जलवायु भी तुर्कों को पसंद न थी और वे लंबे समय के लिए भारत जैसे मुल्क में रहना नहीं चाहते थे। फोर्थ आता है इस्लाम धर्म का प्रचार। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि महमूद के भारतीय आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना था, परंतु कुछ आधुनिक मुस्लिम इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। पहले मत के समर्थकों का तर्क है कि खलीफा द्वारा पदक सम्मान ने उनकी इस धार्मिक भावनाओं को अवश्य प्रोत्साहित किया होगा और वह स्वयं को इस्लाम का प्रचारक एवं संरक्षक समझने लग गया हो। महमूद के समकालीन अलबद्रीन का ही भी कहना है कि महमूद ने काफिरों के देश में इस्लाम का प्रचार करने के लिए आक्रमण किए थे। वस्तुतः महमूद इस्लामी जगत में अपना यश गौरव बढ़ाना चाहता था और इसके लिए भारत में इस्लाम का प्रचार बहुत उत्तम साधन था। बाद के विद्वानों तथा इतिहासकारों ने भी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है और उसके भारतीय आक्रमणों को धर्म युद्ध बतलाया है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि उसका उद्देश्य धर्म प्रचार था। दूसरे मत की व्याख्या करते हुए श्री जाफर लिखते हैं कि महमूद एक धर्मांध प्रचारक की अपेक्षा एक विजेता अधिक था। यह कहना कि उसने इस्लाम धर्म फैलाने के लिए भारत पर बार बार आक्रमण किए ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असत्य।
प्रोफेसर अबीब का मत भी जाफर से मिलता जुलता है। वे लिखते हैं कि महमूद ने भारत पर आक्रमण धार्मिक उद्देश्यों को लेकर नहीं अपितु लूट के लालच में किए थे। प्रोफेसर नाजिम ये तो स्वीकार करते हैं कि महमूद की विजयों के पीछे इस्लाम धर्म के प्रचारक भी गए थे और उसके प्रभाव से कुछ हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु नाजिम का कहना है कि महमूद का उद्देश्य केवल विजय और धन प्राप्त करना था। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इस्लाम के प्रचार की बात तो धर्म उन्मत्त तुर्कों को अपनी सेना में भर्ती करने का प्रचार मात्र था। संक्षेप में कहें तो महमूद के भारतीय आक्रमणों का वास्तविक उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, इस सत्य को दिखलाया नहीं जा सकता कि भारत से धन प्राप्ति के साथ साथ काफिरों का मूल अच्छेदन और इस्लाम का प्रचार करने की भावना का मूल कारण इस्लामी जगत में मान सम्मान प्राप्त करना था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने फोड़ने के कारण ही वह उसको अपने आप को बुत शिकन मूर्ति भंजक कहता था। यह उसके धार्मिक पक्ष को उजागर कर देती है। महमूद के आक्रमणों में देखें तो तत्कालीन भारतीय शासकों की आपसी फूट, पारस्परिक संघर्ष, सैनिक दुर्बलताओं की जानकारी उसे अपने पिता के समय से ही मिल चुकी थी। भारत पर आक्रमण करने के पूर्व उसने अनेक मुस्लिम पर्यटकों एवं व्यापारियों से भारत के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल कर ली। भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पहले से ही गजनी के अधिकार में चला गया और हिंदूशाही राज्य की सेना को तुर्क सेना कई बार परास्त कर चुकी थी। अतः महमूद को सफलता प्राप्त करने का कठिन प्रतीत नहीं हुआ। उसने भारत पर कितने आक्रमण किए इसका सही उत्तर देना कठिन है, पर हेनरी इलियट और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के मतानुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण, महमूद का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। प्रथम आक्रमण का ध्येय हिंदूशाही राज्य के सीमांत दुर्गों को जीतना, जीते हुए दुर्गों में अपने अधिकारियों को नियुक्त करके वह वापस गजनी लौट गया। दूसरा आक्रमण, महमूद के आक्रमण से क्रोधित जयपाल ने जोरदार सैनिक तैयारियां शुरू की। महमूद को इसकी जानकारी मिली तो 1001 ईस्वी में उसने 10,000 अश्वारोहियों की सेना के साथ जयपाल के हिंदूशाही राज्य पर आक्रमण कर दिया। पेशावर के समीप दोनों पक्षों में घमासान संघर्ष हुआ। यद्यपि जयपाल के सैनिकों की संख्या शत्रु सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक थी और जयपाल ने भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, परंतु महमूद के कुशल सैन्य संचालन और नेतृत्व के कारण उसे पराजित होना पड़ा। जयपाल अपने बहुत से संबंधियों एवं अधिकारियों सहित बंदी बना लिया गया और उसके शिविर की समस्त संपत्ति लूट ली गई। उसके गले से मूल्यवान मोतियों की माला बलपूर्वक छीन ली गई और भरे दरबार में उसे अपमानित किया गया। इसके बाद विजय महमूद ने जयपाल की राजधानी को लूटा। बाद में उसने जयपाल को अपमानजनक संधि मानने के लिए विवश किया। संधि के अनुसार जयपाल को 2,50,000 स्वर्ण दिनारों के साथ साथ बहुत से हाथी महमूद को देने पड़े। पेशावर तथा उसके आसपास के क्षेत्र भी महमूद को सौंप देना पड़ा। अपने एक पुत्र और एक पौत्र को धरोहर के रूप में महमूद की सेवा में रखना पड़ा। इसके बाद महमूद गजनी लौट गया। जयपाल को बार बार की पराजयों तथा इस अपमानजनक संधि का इतना अधिक सदमा लगा पहुंचा कि उसने चिता में जलकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आनंदपाल राजा बना। अगले 2 वर्षों में महमूद सिस्तान के साथ संघर्ष में व्यस्त रहा, अतः भारत पर आक्रमण न कर पाया। तीसरा आक्रमण आया 1003 ईस्वी के अंत तक अथवा 1004 ईस्वी के प्रारंभ में महमूद ने भारत पर तीसरी बार आक्रमण किया। इस बार उसने मुल्तान के निकट सिंधु नदी को पार कर भटिया अथवा भेरा नगर पर आक्रमण किया। भेरा का राय बाजीराव आनंदपाल का एक करत सामंत था। फरिश्ता के अनुसार बाजीराव ने गजनी द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेशों में नियुक्त गजनी के अधिकारियों को काफ़ी तंग किया था, अतः महमूद उसे सजा देना चाहता था। बाजीराव ने 4 दिन तक अदम्य साहस के साथ महमूद का सामना किया, परंतु अंत में उसे पराजित होना पड़ा। अपनी पराजय से दुखी बाजीराव ने कटार खाकर आत्महत्या कर ली और महमूद को भेरा की लूट में अपार धन संपत्ति मिली। उसने क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। चौथा आक्रमण, महमूद के चौथे आक्रमण का उद्देश्य मुल्तान के शासक को दंड देना। मुल्तान में शिया संप्रदाय करामती करमत के अब्दुल फतह दाऊद का शासन। करामती लोग इस्लाम के कट्टर सिद्धांतों को नहीं मानते, न ही हज करने में विश्वास रखते। 1005 ईस्वी महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया।
जब वह सिंधु नदी के किनारे पहुंचा तो उसमें बाढ़ आई। आनंदपाल से उसने राज्य में से होकर जैना को मार देने को कहा। आनंदपाल ने मना कर दिया। महमूद ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। आनंदपाल ने पेशावर के समीप उसका सामना किया, परास्त होकर कश्मीर की तरफ भागा। महमूद सुल्तान मुल्तान की तरफ पड़ा। फतेह दाऊद वीरतापूर्वक महमूद का सामना किया, पराजय प्राप्त हुई। महमूद ने उसे क्षमा कर दिया। फतेह दाऊद को इस्लाम के कट्टर सिद्धांतों का पालन करने तथा गजनी को वार्षिक कर चुकाने का वचन देना पड़ा। महमूद ने जयपाल के पौत्र सुखपाल और सेवकपाल, जिसे वह अपने साथ धरोहर के रूप में ले गया था, और गजनी में उसे मुसलमान बनाकर नवाज शाह का नाम दिया गया, को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया। इसी समय उसे सूचना मिली कि उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर काश्गर के सुल्तान ने गजनी पर आक्रमण कर दिया, अतः वह तत्काल गजनी लौट गया। पांचवा आक्रमण। महमूद गजनी के लौटते ही नवाज शाह ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, अपने मुस्लिम अधिकारियों को हटा दिया और सेवक पाल के नाम से अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस पर महमूद का क्रोधित होना स्वाभाविक था। शत्रुओं से फुर्सत मिलते ही 1008 ईस्वी में नवाज शाह को दंड देने के लिए चल पड़ा। नवाज शाह घबरा कर पहाड़ियों में भाग गया। उसकी समस्त संपत्ति जब्त कर ली गई। मुल्तान के भूतपूर्व शासक फतेह दाऊद को पुनः राजा बनाकर महमूद वापस लौटा गया। छठा आक्रमण। महमूद का अगला आक्रमण हिंदुशाही राज्य पर हुआ। हिंदुशाही राज्य पर पुनः आक्रमण करने के कई कारण। प्रथम, आनंदपाल ने पिछली राज्यों का बदला लेने के लिए जोरदार तैयारियां शुरू कर दी। महमूद के विरुद्ध उत्तरी भारत के कुछ राज्यों की सहायता से एक संघ बना लिया था। दूसरा कारण यह था कि जब महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब आनंदपाल ने सेवकपाल को सहायता पहुंचाने का शत्रुतापूर्ण आचरण किया। तीसरा, महमूद की धनलिप्सा। वह गंगा यमुना दोआब के समृद्ध क्षेत्र को लूटना चाहता था। अपनी सुरक्षा के लिए पहले पंजाब जीतना आवश्यक था, अतः 1008 ईस्वी में उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। वेहंद के समीप आनंदपाल के पुत्र बोमपाल ने महमूद का सामना किया। परिष्ठा के मतानुसार उत्तरी भारत के कई राजाओं ने आनंदपाल की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी थी। दोनों पक्षों के मध्य घमासांग युद्ध हुआ। एक समय तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो महमूद की पराजय निश्चित, परंतु भाग्य ने महमूद का साथ दिया। अचानक आनंदपाल का हाथी घायल हो गया और युद्ध क्षेत्र से भागने का, आनंदपाल को युद्ध क्षेत्र से भागते देख हिंदू सैनिकों का साहस टूट गया। अपनी प्राण रक्षा के लिए वे युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। भागते हुए सैकड़ों हिंदू सैनिकों को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार महमूद हारा हुआ युद्ध जीत गया। लूट में उसे अपार संपत्ति मिली। विजय से उत्साहित महमूद ने कांगड़ा राज्य की राजधानी नगर कोट पर आक्रमण किया। वहां के ज्वालामुखी देवी मंदिर से विपुल धन संपदा प्राप्त की। 3-4 दिन के संघर्ष के बाद हिंदुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तवी ने लिखा है कि वहां 70,000 राजकीय दिरहम के मूल्य के टकसाली सिक्के तथा 70,400 मन सोना चांदी के पात्र, 200 मन विशुद्ध सोना, 2,000 मन चांदी और 20 मन रत्न जवाहरात प्राप्त हुए। यद्यपि मुस्लिम लेखकों के उपयुक्त आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु यह भी सही है कि महमूद को नगर कोट की लूट से अपार संपत्ति मिली थी। सातवां आक्रमण। 1009 ईस्वी में महमूद ने नारायणपुर नामक राज्य पर आक्रमण किया। कनगिनगम के अनुसार राजस्थान के अलवर राज्य के नारायणपुर नगर के साथ इसका समीकरण किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि उन दिनों नारायणपुर मध्य एशिया और भारत के मध्य बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और इसी नगर से होकर उत्तरी भारत के कई मार्ग भी जाते थे। जो भी हो, नारायणपुर एक छोटा सा राज्य था और यहाँ का शासक महमूद के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ। महमूद ने नगर में प्रवेश कर हिंदू मंदिरों को भूमिसात किया, नगर को लूटा और गजनी लौट गया। आठवां आक्रमण। 1010 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया। मुल्तान के शासक फतेह दाऊद ने पुनः करामती संप्रदाय का प्रचार करना शुरू किया। महमूद ने इस बार मुल्तान को साम्राज्य में मिला देने का निश्चय किया। दाऊद और उसके प्रमुख साथियों को पकड़कर कारावास में डाल दिया गया। सैकड़ों धर्माद्रोहियों को मौत की घाट उतार दिया गया। इसी समय हिंदुशाही राज्य के आनंदपाल ने अपनी निरंतर पराजय एवं जनधन विनाश से दुखी होकर महमूद के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार आनंदपाल ने प्रतिवर्ष बहुमूल्य सामान से लदे हुए 50 हाथी भेजना तथा महमूद की सेवा में अपने 2,000 सैनिक रखना स्वीकारा। बदले में महमूद ने आनंदपाल के राज्य पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया। आनंदपाल की मृत्यु के समय तक दोनों पक्षों ने संधि की शर्तों का पालन भी किया। नवा आक्रमण। महमूद के अगले आक्रमण का शिकार थानेश्वर का राज्य बना। थानेश्वर
के राजा के पास श्रीलंकन नस्ल के बहुत से हाथी थे जो बहुत युद्ध में उपयोगी समझे जाते थे। इसके अलावा दानेश्वर पर चक्रवात स्वामी का मंदिर काफ़ी संपन्न, लूट में अपार संपदा मिलने की संभावना। 1011 ईस्वी में महमूद ने दानेश्वर पर आक्रमण किया। दानेश्वर के राजा ने अन्य राजाओं से सहायता की अपील की। सहायता पहुंचने के पूर्व ही महमूद ने दानेश्वर जा पहुंचा। राजा ने वीरतापूर्वक सामना किया परंतु परास्त हुआ। महमूद ने दानेश्वर के बहुत से नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। 10वां आक्रमण, आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका लड़का त्रिलोचन पाल पंजाब का शासक बना। उसके राजा बनने के कुछ समय बाद ही महमूद ने अचानक उसकी राजधानी नंदनम पर आक्रमण किया। महमूद के हाथों परास्त होकर त्रिलोचन पाल सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर की तरफ भाग गया। महमूद ने उसका पीछा किया और अंत में कश्मीर राज्य तथा त्रिलोचन पाल की संयुक्त सेना को परास्त किया। त्रिलोचन पाल पूर्वी पंजाब की ओर भाग गया। महमूद की सेना ने कश्मीर की घाटी में काफ़ी लूटपाट की। नंदना को गजनी साम्राज्य में मिला लिया गया और अपना शासनाधिकारी नियुक्त किए। 11वां आक्रमण, कश्मीर के राजा ने महमूद के विरुद्ध त्रिलोचन पाल की सहायता की दिया था। 1015 ईस्वी में महमूद ने कश्मीर के सुप्रसिद्ध शक्तिशाली लोहकोट दुर्ग पर आक्रमण किया। लोहकोट के दुर्ग रक्षकों ने डटकर उसका मुख सामना। अनुभवी महमूद ने दुर्ग को जीतने का तक प्रयास, सफलता नहीं मिली। बेवश महमूद को घेरा उठाकर वापस लौटना पड़ा। नाकामयाब होकर वो वापस लौट गया। 12वां आक्रमण, महमूद ने भारत के भीतरी प्रदेशों को लूटने के निश्चय से 1018 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना के साथ मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए गजनी से चला। बार बार पराजित होने वाले त्रिलोचन पाल ने इस बार भी बिना संघर्ष महमूद को आगे नहीं बढ़ने दिया। त्रिलोचन पाल परास्त हुआ। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद महमूद बुलंदशहर पहुंचा। तीर्थ नगरी मथुरा पर आक्रमण, मथुरा की लूट, महमूद को अपार धन 185 हाथी मिले। इसके बाद वह कन्नौज की तरफ बढ़ा। मार्ग में पड़ने वाले नगरों तथा कस्बों को लूटा। 1019 ईस्वी की जनवरी में वह कन्नौज के समीप पहुंचा। कन्नौज उसी भारत का सर्वाधिक समृद्ध नगर। इतिहासकार उत्तरी ने लिखा है कि यहाँ पर सहस्त्र संगमरमर के भवन हैं, असंख्य मंदिर हैं। कहा जाता है कि नगर के लगभग 10,000 मंदिर थे। कन्नौज नगर के चारों तरफ पत्थर की मजबूत प्राचीर तथा 7 दुर्ग बने हुए थे। इस समय इस समृद्ध नगर पर गुर्जर प्रतिहार वंश का राजपाल शासन कर रहा था। महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही कन्नौज छोड़कर गंगा की दूसरी तरफ भाग गया। मथुरा, वृंदावन, कन्नौज की लूट से महमूद को अत्यधिक धन संपदा प्राप्त हुई। फरिश्ते का कथन है कि इसके बाद ही महमूद ने गजनी की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, एक विश्वविद्यालय तथा संग्रहालय का निर्माण करवाया था। भारत के भीतरी क्षेत्रों तक सफलतापूर्वक पहुंच जाने से महमूद का साहस तथा आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। आज के लेक्चर का टॉपिक है मोहम्मद गजनवी, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण व लक्ष्य, महमूद के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्यों कारणों के विषय में इतिहासकारों में भारी मतभेद है, खासकर उसके धार्मिक उद्देश्यों को लेकर। वस्तुतः उसने अनेक उद्देश्यों से भारत पर आक्रमण किया था। वे कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम, धन संपदा की प्राप्ति। प्रोफेसर हबीब का मत है कि महमूद धन का लालची पहले था और धार्मिक व्यक्ति बाद में। इसी का प्रकार हेवेल का कहना है कि महमूद बगदाद के खलीफा के विरुद्ध भी युद्ध करने की तैयारी करने को तैयार हो जाता यदि उसे वहां अपार धन प्राप्त होने की आशा होती। वस्तुतः महमूद का गजनी राज्य एक पर्वतीय क्षेत्र तथा जहाँ के निवासी काफ़ी निर्धन थे।